Myself, Alpesh Soni from Cognition Engineering Institute. Last video, Fourier series part 1 में हमने Fourier series के continuous and discontinuous function, odd even function के बारे में देखा था. आज हम इस वीडियो में Fourier series के change of interval के बारे में discuss करेंगे. तो पहले उसकी formula देख लेते हैं. fx equal to e0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, where h is equal to 1 upon l c to c plus 2l fx ds, an equal to 1 upon l c to c plus 2l fx cos n pi x by l dx, and bn equal to 1 upon l c to c plus 2l fx sin n pi x by l dx. अब हमें क्वेश्चन ये होगा कि पूरे सीरीज में कौन सी मेथड कब अप्लाई करनी है. जब पाई 0 से 2 पाई, माइनस पाई से प्लस पाई, यानी कि पाई वाली लिमिट आए. तो आगे हमने पार्ट 1 में देखा फूरियर सीरीज की कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, वो मेथड यूज करनी है. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिमिट में पाई ना हो, यानी कि माइनस 2 से प्लस 2, माइनस 1 से प्लस 1, 0 से 1, 0 टू सी, माइनस ए टू प्लस ए, मीन्स नॉन पाई लिमिट हो, तो चेंज ऑफ इंटरवल वाली मेथड हमें अप्लाई करनी है. तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एल क्या है, एल यानी वो कैसे फाइंड करते हैं, वो देखते हैं. तो सपोज हमारा क्वेश्चन है fx equal to x square, इसकी फूरियर सीरीज फाइंड करनी है, लिमिट है माइनस 2 से प्लस 2. तो लेंथ ऑफ लिमिट क्या होगी, पहले ये देखते हैं. लेंथ यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. तो लेंथ को हम सपोज करेंगे 2l, तो 2l इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू मिल गया 2. यानी कि लेंथ जो भी है उसको आप 2l सपोज करो, इसके ऊपर से आपको l मिल जाएगा. सपोज लेंथ हमारी, सपोज लिमिट 0 टू c है, तो लेंथ हो जाएगी 2l इक्वल टू c, तो l इक्वल टू c बाय 2. तो लेंथ फाइंड करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको आप 2l सपोज करो, उसके ऊपर से आपको l मिल जाएगा. l मिल जाए फिर आपको e0 en bn फाइंड करना है. अब लिमिट कैसे रखनी है, अगर क्वेश्चन में लिमिट माइनस 2 से प्लस 2, माइनस 1 से प्लस 1, माइनस a से प्लस a, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव आए, माइनस कांस्टेंट टू प्लस कांस्टेंट आए, तो e0 en bn में लिमिट आपको माइनस l से प्लस l लेनी है. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिमिट 0 टू कांस्टेंट आए, सपोज 0 टू 3, तो आपको a0 an bn 0 टू 2l लेनी है, 0 टू 2l. इस सम में हम 2l लेंगे 3, लेंथ ऑफ लिमिट इज 3, तो l इक्वल टू वी हैव 3 बाय 2, तो a0 an bn हमें 0 टू 2l लेनी है अगर लिमिट 0 टू 3 हो. तो हमारे सम में fx पे स्क्वायर की पूरी सीरीज फाइंड करनी है. लेंथ है माइनस 2 से प्लस 2 की लेंथ है 4, तो 2l इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू, एंड हम लेंथ लिमिट लेंगे माइनस l से प्लस l. तो अब इसका a0 an bn हम फाइंड करते हैं, तो a0 इक्वल टू 1 अपॉन l लिमिट माइनस 2 से प्लस 2 है, लेंथ है 2l इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू 2, इसकी लिमिट होगी माइनस l से प्लस l fx dx. तो l 2 है हमारे पास, तो a0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 से प्लस 2, fx है हमारे पास s स्क्वायर dx, फंक्शन है s स्क्वायर और लिमिट माइनस से प्लस है, तो ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी. फंक्शन है s स्क्वायर, वो इवन फंक्शन है, इवन है तो ऑड इवन प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू 2 s स्क्वायर dx, माइनस 2 से प्लस 2 हो जाएगा 0 से 2, और आगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी है, 2 टू कैंसिल, x का इंटीग्रेशन जानते हैं s क्यूब बाय 3, एंड लिमिट है 0 टू 2, अब अपर लिमिट है 2, तो 2 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब हो जाएगा 8 बाय 3, तो a0 हमें मिल रहा है 8 बाय 3. अब हम फाइंड करेंगे an,
तो en में आ रहा है 1 upon l minus l to plus l fx cos n by x by l dx, e0 मिल रहा है 8 by 3। अब en, en में आप देखो fx, fx है हमारा x square cos n even s square even 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 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 by l, l यानी l की वैल्यू 2 है एंड 0 से 2 फंक्शन है स्क्वायर cos n pi x by 2 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, s स्क्वायर cos even है तो 0 से 2 आगे 2 मिल जाएगा हमें, 2 2 कैंसिल, u into v से इंटीग्रेशन, x स्क्वायर 2x 2 s स्क्वायर 2x 2 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin n pi x by 2 upon n pi by 2। आपको समझ में आया, s स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, cos का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो u into v फॉर्मूला है u u डैश u डबल डैश, फिर 2 का आगे डिफरेंशिएशन 0, u एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे। n v का यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन sin n pi x by 2 by n pi by 2, sin का अगेन इंटीग्रेशन minus cos n pi x by 2 upon n square pi square by 4, minus cos का हो जाएगा minus sin n pi x by 2 upon n cube pi cube by 8, plus minus plus, and limit है हमारे पास 0 से 2। अब हमें limit put करनी है, तो हम जानते हैं कि sin वाले टर्म में अगर 2 पुट करेंगे तो 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा sin n pi, sin n pi 0 है, यहां पे भी sin n pi 0 हो जाएगा, एंड लोअर लिमिट है 0, 0 डालेंगे तो भी sin 0 0 sin 0 0, तो sin वाले टर्म हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें कौन सा टर्म मिलता है, सिर्फ बीच वाला cos वाला टर्म, उसमें कांस्टेंट क्या बाहर निकल रहा है, कांस्टेंट निकल रहा है माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, अंदर क्या बचेगा x, s के साथ जो भी हमने बाहर निकल दिया माइनस माइनस प्लस हो गया x into cos n pi x by 2 एंड लिमिट 0 टू 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 ऊपर जाएगा तो यहां पे मिल जाएगा 8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, अपर लिमिट 2 है 2, यहां पे 2 डालेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो मिलेगा cos n pi की वैल्यू है minus 1 raise to n minus 0, 0 डालेंगे तो 0 into something 0, 8 to जा 16, तो 16 into minus 1 raise to n upon n square pi square, ये हुआ हमारा an, तो an हमें मिल रहा है 16 into minus 1 raise to n upon n square pi square, ये मिला हमें a, a0 मिला, an मिला, अब हम फाइंड करेंगे bn, तो bn में यहां पे आ जाएगा sin, अब आप देखो sin कैसा फंक्शन है, odd फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्वेश्चन वाला कौन सा है even, odd into even, ये even है ये odd है, odd into even हो जाएगा odd, अगर integrand odd है and limit minus से plus है तो integration क्या हो जाएगा 0, वो हमारी ऑर्डिनरी की प्रॉपर्टी है, तो हमें bn मिला 0, तो bn 0, a0 an bn फूरियर सीरीज चेंज ऑफ इंटरवल की जो फार्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं, तो fx इक्वल टू fx, fx की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर is equal to a0 by 2, a0 मिल रहा है हमें 8 by 3 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity en, en मिल रहा है 16 into minus 1 is to n by n square pi square into cos n pi x by n, l की value 2 plus bn की value 0, इसका simplification करते हैं, तो 8 यानी 4 by 3 plus यहां पे 16 बाय पाई स्क्वायर कांस्टेंट निकल सकता है एंड अंदर रहेगा सिग्मा n = 1 टू इंफिनिटी -1 टू n / n² * cos
n pi x by 2. तो x square equal to this is our answer Fourier series. तो ये हुआ change of interval का sum. अब हम देखेंगे Fourier integral. अभी हमने change of interval के बारे में discuss किया. अब हम half range Fourier cosine series, half range Fourier sine series एंड Fourier integral के बारे में discuss करेंगे. तो पहले देखते हैं half range Fourier cosine series. हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा कि फाइंड द हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज. फूरियर सीरीज से ये बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. बाकी सम करने की प्रोसीजर सब मेथड वही है जो हम फूरियर सीरीज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एंड चेंज ऑफ इंटरवल में हम करते थे. तो हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज में आपको ओनली ए जीरो ए एन फाइंड करना है. अगर हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज पूछे तो ओनली ए जीरो एन ए एन. उसकी फॉर्मूला है ए जीरो बाय टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ई एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल. एंड ए जीरो की फॉर्मूला ये है टू बाय एल जीरो टू एल एफ एक्स डी एस ई एन इक्वल टू टू बाय एल जीरो टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एस. और आगे वाले मेथड और इस मेथड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अभी तक हमने देखा कि वन बाय एल आता था, यहाँ पे टू बाय एल है, टू बाय एल है ए जीरो एन ई एन में. And second thing, 0 to L वो fix है limit, तो वही limit को हमें follow करना है. And what is L? L यानी length of limit. आगे हमने change of interval में देखा length of limit को हम 2L suppose करते थे. यहाँ पे length of limit को only L suppose करना है. Suppose कोई question है 0 to 3, तो इस limit की length क्या हो जाएगी? 3. तो half range अगर नहीं बोला है तो 2L equal to 3. तो L इक्वल टू हो जाएगा 3 बाय 2. लेकिन अगर आपको बोला गया कि हाफ फाइंड द हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज तो आपको L इक्वल टू 3 लेना है. यानी लेंथ ऑफ लिमिट इज इक्वल टू L, L इक्वल टू 3. सपोज आपके पास है 0 टू C, तो आगे वाले चेंज ऑफ इंटरवल में 2L इक्वल टू C, तो L इक्वल टू C बाय 2. और यहां पे हमें 2L नहीं लेकिन L इक्वल टू C लेना है, वो हमारा L है. यानी लेंथ L दे देनी है. तो हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज में आपको a0 an फाइंड करना है एंड हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज में ओनली bn फाइंड करना है. उसकी फार्मूला कुछ ऐसी होगी. हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज की फार्मूला fx इक्वल टू सिग्मा n इक्वल 1 टू इनफिनिटी यहां पे bn sin n पाई x बाय l dx. एंड bn की फॉर्मूला है यहाँ पे cos की जगह sin 2 by L 0 to L fx sin n pi x by L. यानी कि half range पूरे cosine में a 0 n find करो and half range cosine में a 0 n and half range sin में only b n. इतना find करना है और बाकी कोई चेंज नहीं है. सम करने की मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, बाकी सब कुछ एज इट इज है. सिर्फ इतना चेंज हमें देख लेना है, ये ध्यान में रखना है. अब हम देखेंगे फूरियर इंटीग्रल. फूरियर इंटीग्रल की फॉर्मूला है fx इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी e लैम्डा cos लैम्डा x + b लैम्डा sin लैम्डा x d लैम्डा, वेयर e लैम्डा इक्वल 1 / पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी f cos लैम्डा b dv, b lambda equal to 1 upon pi minus infinity plus infinity f v sin lambda v dv. Fourier series में हमें a 0 an bn find करना था, इसमें हमें a lambda n b lambda वो दो find करना है और वो यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा answer मिल जाएगा, Fourier integral मिल जाएगा. तो उसमें थोड़ी property use होती है. suppose एक property है x is to infinity, तो कोई भी function की power अगर infinity हो anything raised to infinity is equal to infinity, anything raised to negative infinity always zero होता है. ये दो integration की formula Fourier integral में बहुत use होती है, तो आप एक बार जरा इसको learn कर लीजिए. e to s cos bx ds ये Fourier series में भी बहुत बार आ चुकी है. e to s upon a square b square a cos bs plus b sin bs and e into sin more, तो a sin bs minus b cos bs, ये दो formula हमें use करनी है. तो आइए देखते हैं पहला sum. Express the function fx equal to minus e to px x less than 0
and e to minus ks, s greater than 0, s Fourier integral, and prove that 0 to infinity lambda sin lambda s upon lambda square plus k square d lambda equal to pi by 2 e to minus ks. तो पूरे इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हमें याद आना चाहिए कि पूरे इंटीग्रल में हमें ए लैम्डा और बी लैम्डा फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आप देखो कि यहाँ पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी में क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है, एक्स लेस देन जीरो यानी कि जीरो से लेस देन एंड जीरो से ग्रेटर देन। जीरो से लेस देन यानी माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जीरो से ग्रेटर देन यानी जीरो टू इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी टू जीरो में फंक्शन की वैल्यू गिवन है माइनस ई रिस टू के एक्स, एंड जीरो टू इनफिनिटी में फंक्शन की वैल्यू है ई रिस टू माइनस के एक्स। तो ए लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एफ ई कॉस लैम्डा वी डी। तो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, माइनस इनफिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इनफिनिटी में एफ ही कॉस लैम्डा वी डीवी। कॉस लैम्डा वी तो है दोनों में डीवी डीवी, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, तो माइनस इनफिनिटी टू जीरो फंक्शन की वैल्यू है माइनस ई रिस टू के एक्स, लेकिन हम वी के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारी वी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा माइनस ई रिस टू के वी, एंड जीरो से इनफिनिटी में फंक्शन की वैल्यू है ई रिस टू माइनस के वी। अब इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन में हमें ई इंटू कॉस ये फॉर्मूला लगेगी। तो आप कंपेयर करो, ई का पावर है यहाँ पे, ई का पावर ए है तो यहाँ पे के है, कॉस में एंगल का कोएफिशिएंट लैम्डा है यहाँ पे बी है, तो ई रिस टू ए एक्स वन अपन पाई एज इट इज, इसको लिखेंगे ई रिस टू के वी अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स मीन्स के कॉस लैम्डा बी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस लैम्डा साइन लैम्डा बी, और इसकी लिमिट है माइनस इनफिनिटी टू जीरो प्लस ये वन अपन पाई दोनों इंटीग्रेशन को अप्लाई होगा, तो वन अपन पाई ई रिस टू माइनस के। अब आप देखो यहाँ पे ए के था, यहाँ पे ए माइनस के है, तो ई रिस टू माइनस के वी अपॉन माइनस के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट माइनस के कॉस लैम्डा बी प्लस लैम्डा साइन लैम्डा बी, एंड इसकी लिमिट है जीरो टू इनफिनिटी। पहले में ए के है, दूसरे और बी लैम्डा है, दूसरे इंटीग्रेशन में ए माइनस के है एंड बी लैम्डा है। अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो हम जानते हैं कि कोई भी एनीथिंग रिच टू नेगेटिव इनफिनिटी जीरो, तो इज इक्वल टू वन अपॉन पाई पहले जीरो पुट करते हैं, ई रिस टू जीरो वी की जगह जीरो पुट करो तो रिस टू जीरो वन वन अपॉन के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस जीरो वन, तो के इंटू वन प्लस जीरो साइन जीरो जीरो माइनस लोअर लिमिट का माइनस, यहां पे ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, एंड ई रिस टू नेगेटिव इन्फिनिटी एनीथिंग रिस टू नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये हुई बात अपर लिमिट की प्लस। अब लोअर लिमिट की बात करते हैं, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, ये हमने पहले वाले इंटीग्रेशन का लिमिट पुट की, अब दूसरा इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो प्लस वन अपन पाई ई रिस टू इंफिनिटी यहाँ पे डालेंगे तो आगे माइनस है, तो ई रिस टू नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा जीरो माइनस लोअर लिमिट का माइनस ई रिस टू जीरो वन माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो। तो आप देख सकते हो
ये पहले वाले इंटीग्रेशन का आंसर ये है, दूसरे वाले इंटीग्रेशन का आंसर है, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन पाई माइनस के, 1 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस के, यानी कि ये हुआ के अपॉन किसके बोले लैम्डा स्क्वायर, और ये हुआ ये माइनस के अपॉन किसके बोले लैम्डा स्क्वायर, ये हुआ प्लस के अपॉन किसके बोले लैम्डा स्क्वायर, यानी कि दोनों टर्म सिमिलर प्लस माइनस हुए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ए लैम्डा मिल रहा है जीरो, तो ए लैम्डा इज अवर जीरो। अब हम फाइंड करेंगे बी लैम्डा, ए लैम्डा और बी लैम्डा में चेंज क्या है, ए लैम्डा में कॉस आता था तो बी लैम्डा में साइन आता है, तो बी लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई, इसमें भी माइनस इनफिनिटी से जीरो, माइनस ई रिश टू एफ पी यानी माइनस ई रिश टू के वी साइन लैम्डा वी डी वी प्लस जीरो टू इनफिनिटी ई रिश टू माइनस के वी साइन लैम्डा वी डी वी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और हमें बी लैम्डा फाइंड करना है, तो e इंटू साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो, e के है बी लैम्डा है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस e इज टू के वी अपॉन के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए साइन बी एक्स के साइन लैम्डा बी माइनस बी कॉस बी एक्स लैम्डा साइन लैम्डा कॉस लैम्डा बी, और लिमिट है इसकी माइनस इनफिनिटी टू जीरो प्लस अगेन 1 अपॉन पाई, यहां पे ए है माइनस के बी है लैम्डा, तो ई रिज टू माइनस के वी अपॉन माइनस के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस के साइन लैम्डा बी माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा बी, और इसकी लिमिट है जीरो से इंफिनिटी। तो ये जो पहला ब्रैकेट है वो पहला इंटीग्रेशन का आंसर है, दूसरा ब्रैकेट है दूसरा इंटीग्रेशन का आंसर है, अभी हमें लिमिट पुट करनी है, तो पहले ब्रैकेट में लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप ध्यान से देखो ई रिज टू जीरो वन हो जाएगा, वन अपॉन के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो यहाँ पे जीरो माइनस लैम्डा यानी कि ओनली माइनस लैम्डा मिला, माइनस लोअर लिमिट का माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ई रिज टू नेगेटिव इंफिनिटिव जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो, लोअर लिमिट का माइनस और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, ई रिज टू माइनस इंफिनिटिव एनीथिंग रिज टू नेगेटिव इंफिनिटिव जीरो। तो पहले ब्रैकेट की बात हो गई, अब दूसरे ब्रैकेट में लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे भी आप देखो वन अपन पाई तो है बात इन्फिनिटी डालो ई रिज टू नेगेटिव इन्फिनिटिव जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस लोअर लिमिट का माइनस ई रिज टू जीरो वन अपॉन की स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो ब्रैकेट में मिलेगा माइनस लैम्डा, तो दिस इक्वल टू वन अपॉन पाई बार में ले लेता हूं माइनस माइनस प्लस यानी कि लैम्डा अपॉन की स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, सेम वे माइनस माइनस प्लस तो लैम्डा अपॉन की स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यानी कि हमें मिल रहा है टू लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा दोनों टर्म सिमिलर है तो टू टाइम्स लैम्डा अपॉन की स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई तो है, तो हमें बी लैम्डा मिला टू लैम्डा अपॉन पाई इंटू के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ए लैम्डा मिला जीरो बी लैम्डा ये मिला, ये दो वैल्यू फूरियर इंटीग्रल की फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो फूरियर इंटीग्रल की फॉर्मूला है हमारे पास एफएक्स इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी ए लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी लैम्डा साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, फूरियर इंटीग्रल में आप देखो जीरो टू इनफिनिटी में
जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट में, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है ई रिस टू माइनस के एक्स, तो ई रिस टू माइनस के एक्स इक्वल टू, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी पूरे इंटीग्रल की फॉर्मूला में, तो एफ एक्स होगा एक्स टू माइनस के एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी ए लैम्ब्डा की वैल्यू जीरो एंड बी लैम्ब्डा मिल रहा है हमारा टू लैम्ब्डा अपॉन पाई इंटू के स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर इंटू साइन लैम्ब्डा एक्स डी लैम्ब्डा, ये फॉर्मूला में हमने फॉर्मूला में ए लैम्ब्डा एंड बी लैम्ब्डा हमने पुट कर दिया। अब हमें ऐसा रिजल्ट लाना है, तो आप देख सकते हो पाई बाई टू हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में नहीं चाहिए सामने चाहिए, तो यहाँ पे टू बाई पाई है वो क्रॉस में सामने ले जाते हैं, तो पाई बाई टू ई रिज टू माइनस के एक्स टू बाई पाई सामने ले गए हम पाई ऊपर टू नीचे इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, क्या बचा लेमड़ा साइन लेमड़ा एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर इंटू डी लेमड़ा, तो ये हमें प्रूव करना था वो हमें मिलेगा। तो ये हुआ पूरे इंटीग्रल, पूरे इंटीग्रल बेसिकली आपको ए लैम्ब्डा बी लैम्ब्डा फाइंड करना है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगी, इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से, एंड ये हुआ पूरे सीरीज जीटीयू में एंड अदर यूनिवर्सिटी में 14-21 मार्क्स का ये चैप्टर पूछते हैं, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।